हमारी स्किन के लिए ना वरदान है ग्लिसरीन। आज जानते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल करने के तरीके। आज मैं आप लोगों को ग्लिसरीन के ना कुछ यूजेस बताऊंगी, 8 यूजेस, जिसमें ना आप लोगों को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ इसके क्या क्या फायदे होते हैं आप लोगों की स्किन पर, वो सभी चीज आप लोगों को बताऊंगी। मार्केट में ना ग्लिसरीन जो होता है वो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। आप लोग चाहोगे तो 50 रुपए का भी खरीद सकते हो, 150 के भी ग्लिसरीन आते हैं। ओके, तो आप लोग कोई सा भी ग्लिसरीन का यूज कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी ब्रांड का हो। ओके, एंड मार्केट में कहीं पर भी मिलता हो। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को ग्लिसरीन के कुछ ऐसे यूजेस बताऊंगी, कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी एंड कुछ ऐसे मेकअप टिप्स बताऊंगी जो कि ग्लिसरीन से जुड़ा हुआ होगा। एंड या आप लोग उसे यूज करके बहुत ही अच्छा सा लाइफस्टाइल पा सकते हो, बहुत ही अच्छा सा बॉडी एंड बहुत ही अच्छा सा फेस के लिए आप लोग केयर कर सकते हो। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं। ओके, चाहे वो निविया का हो, चाहे वो पॉन्ड्स का हो, कोई सा भी मॉइस्चराइजर हो, बेबी मॉइस्चराइजर हो, है ना। लेकिन आप लोगों को ये पता है क्या कि आप लोग अपने मॉइस्चराइजर पर ग्लिसरीन मिला करके अगर आप लोग अप्लाई करते हो, लाइक आप लोग स्मॉल क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर ले रहे हो, उसको आप लोग ले लीजिए अपने फिंगर पर, देन उसमें हल्का सा 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन डाल दीजिए। ओके, एंड उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। एक्स्ट्रा हाइड्रेट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मॉइस्चराइजर में ग्लिसरीन मिला लेते हो। ओके, तो आप लोगों का स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है एंड बहुत ही ज्यादा सपल बन जाता है। ओके, एंड मैं भी इस रेमेडी को यूज करती हूँ, क्योंकि यार मॉइस्चराइजर जो होते हैं उसमें कितना ही हाइड्रेशन होगा। अगर आप लोगों को और ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए अपनी स्किन के लिए कि आप लोगों का स्किन ना बिल्कुल भी ड्राई ना हो, तो आप लोग ग्लिसरीन मिला सकते हो। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हम लोगों के डेली लाइफ में ना हम लोगों को बहुत सारी बीमारी हो जाती है फेस से जुड़ी, जैसे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स सबसे बड़ी बीमारी है, एंड साथ ही साथ उससे भी बड़ी बीमारी है पिंपल। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रबिंग का काम करते हैं, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई सा भी आप लोगों के पास जेंटल एक्सफोलिएशन की जो भी प्रॉपर्टीज हो, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कोई सा भी स्मॉल क्वांटिटी का आप लोग प्रोडक्ट ले लीजिए स्क्रब का, उसमें आप लोग ग्लिसरीन के 4 से 5 बूंद मिला लीजिए। अच्छी तरीके से अपने फेस को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करिए, अच्छे तरीके से मसाज करिए, अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करिए। ओके, जिससे आप लोगों की स्किन के जितने भी डेड स्किन सेल्स है, जितने भी व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है, वो सभी दूर हो जाएगी। एंड आप लोगों का स्किन जो अगर ड्राई है ना, तो वो ड्राई स्किन ना आप लोगों के नॉर्मल स्किन में कब चेंज हो जाएगी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ना आप लोगों को अपने स्क्रब में भी मॉइस्चराइजर के तौर पर आप लोगों को ग्लिसरीन का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्क्रब करने से हमारी स्किन ड्राई जरूर होती है, लेकिन अगर हम लोग उसमें ग्लिसरीन मिला लेते हैं ना, तो वो हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना देती है। ग्लिसरीन में आप लोगों का एमोलिएंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है और बहुत सारे फेशियल वेशियल बहुत सारे चीजें होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रात में सोने से पहले ना आप लोगों को इस ग्लिसरीन का स्मॉल अमाउंट लेना है, उसे अपने ना स्किन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है। ये आप लोगों की स्किन को बहुत ही हद तक रिपेयर करता है, जितने भी आप लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है, लाइक थोड़े थोड़े भी रिंकल्स आते हैं, आप लोगों की स्किन फटना चालू हो जाता है, एकदम ज्यादा ड्राइनेस होती है, एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको आप लोगों का दूर करके आप लोगों की स्किन को रिपेयर करने का काम करता है ग्लिसरीन। तो आप लोग ग्लिसरीन का यूज इस से जरूर करना। ग्लिसरीन का एक और फायदा है, ये आप लोगों की स्किन को ना बहुत ही ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ा देता है। ओके, जो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा स्किन होता है ना, वो एकदम मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा स्किन टाइट रहेगा ना, तो हम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। हम लोगों का जो जितने भी हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना अपनी स्किन पर, वो सभी ना एकदम फटने लगेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन पर, जिससे ना ये आप लोगों की स्किन को हल्का हल्का सॉफ्ट बनाएगा एंड इलास्टिसिटी को या आप लोगों का बहुत ही हद तक ग्रो करता है। तो इसलिए आप लोगों को ना ग्लिसरीन का जरूर से यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन पर। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ठंडी के दिन में ना बहुत ही ज़्यादा ना धूप में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और धूप में बैठने से ना हमारे शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्माहट आती है इसलिए। लेकिन आप लोगों को पता है क्या कि सन से हम लोगों को सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा जो स्किन है ना बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को क्या कर सकते हो, अपनी स्किन पर ना ग्लिसरीन लगाइए, आप लोगों के कोई सा भी SPF हो, आप लोगों के पास कोई सा भी सनस्क्रीन हो, उसमें हल्का सा ग्लिसरीन लगा लीजिए, कि आप लोगों के सनबर्न में जो भी आप लोगों का जो स्किन जला होगा ना, उसमें आप लोगों को आराम देता है। एंड साथ ही साथ
साथ आप लोगों के टैनिंग को भी दूर करता है। सो हो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा एंड आप लोगों को भी अगर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो आप लोग ये ग्लिसरीन का यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छा आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। सो हो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।